हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव। आप देख रहे हैं एवरीथिंग। आज आपको बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल का ग्रुप डी का फॉर्म एक निकला है फ्री में, बिल्कुल फ्री। वो आप कैसे फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि इसका लास्ट डेट 29 तारीख ही है मात्र, मतलब 5 दिन बचा है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको वेस्ट बंगाल का ये वेबसाइट का मैं अपने लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इस फॉर्म में आपको क्या क्या मिलेगा, कितना सीट्स है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और यहाँ से भरने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे लिंक पे क्लिक करना है, और उसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा दूसरा पेज खुलेगा, और कुछ देर के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यह आप काम रात में करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, दिन में बहुत सर्वर स्लो रहता है। यहाँ से करने के बाद आपको इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी पढ़ना है आपको इन्फॉर्मेशन, देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसमें फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या आपके पास चाहिए, ऐसा पढ़ सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे डेट कब सब, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से पहली बार आइएगा तो साइनअप कीजिएगा। मैं साइनअप कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। तो यहाँ से आप वेस्ट बंगाल के वेबसाइट पर आप रजिस्टर हो रहे हैं, कभी भी इस यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर अभी मैसेज मिल जाएगा। तो ध्यान से बड़ी अपना ये फिलअप कर लीजिएगा, इसको साइनअप कर लीजिएगा, और सबमिट साइनअप जैसे क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा, वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जाएगा जो आप डालिएगा यहाँ पे, और लॉगिन यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद अपने पर्सनल डिटेल, जो भी आपका पर्सनल डिटेल है यहाँ पे, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जितना कुछ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं चला रहा हूँ वीडियो में, हाँ सब जहाँ भी आपका स्टेट है जो भी आप ध्यान से आप उसको फिलअप कर लीजिएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा वीडियो को स्पीड मोड में चला रहा हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको देखने में, लेकिन इस तरह से आप भर लीजिएगा। क्योंकि काफ़ी समय हमको लगा था भरने में, क्योंकि मैं ये काम सुबह कर रहा था तो काफ़ी स्लो हो रहा था, और फोटोग्राफ अपडेट लोड ही नहीं हो रहा था सुबह में। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्म का पर्सनल डिटेल, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से इसे डाल सकते हैं, और ध्यान से पढ़ते हुए आप देखिए 8वीं क्लास का पास किए थे, आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका स्कूल का नाम क्या है, आपने पास जो कहाँ से किए थे, आपका बोर्ड का क्या नाम है, ये सब डाल सकते हैं आप। इस तरह से आप इसको इस तरह से नेक्स्ट करने के बाद इसे आपको यहाँ पे आएगा, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, गलत हुआ तो आप बैक करके नो कर सकते, यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। मैंने यस किया कि मेरा सही था। इस तरह से दूसरा पेज खुलेगा, और यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस अच्छे तरीके से डाल दीजिएगा, और उसके बाद पोस्टल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आप यहाँ पे जो भी डिटेल मांगेगा उसको अच्छे तरीके से डालिएगा। ये सब डालने के बाद और देखिए यहाँ पर इस तरह से ऐसे अपना, उसके बाद यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, टिक ऊपर वाला आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी डिटेल मांगेगा आप ध्यान से एकदम अस्थिर दिमाग से यहाँ पे डालना है, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हड़बड़ाहट ना हो। उसके बाद आप अपना पेपर कर, उसके बाद देख लीजिएगा फिर से कोई गलत नहीं हुआ, जब भी आप नेक्स्ट कीजिएगा एक पॉपअप यहाँ पे आएगा, आपने क्या क्या भरा है, उसमें कुछ अगर गलत होगा तो आप नो करके कर सकते हैं। मैंने यस किया क्योंकि मेरा और यहाँ पे फोटोग्राफ मैं अपलोड कर रहा हूँ अपना, और सब क्रॉप साइज रिसाइज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं फिर रिसाइज कर सकते हैं, ऐसे इसको उल्टा का फोटोग्राफ तो यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। तो अच्छा फंक्शन यहाँ पे दिया गया है यहाँ पर, और उसके बाद अपना यहाँ से आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर को ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका जहाँ पर ऐसे बात कर उसका डाल सकते हैं, मैं कर डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे टिक करके यस कर देना, अगर उसका सब चीज़ सही है आपका तो यस करने के बाद ये फॉर्म आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू दिखने के बाद देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक होम पेज आ जाएगा, और वहाँ पे आपको एक देख सकते हैं काफ़ी आसान है फॉर्म भरने में, और कोई रुपया नहीं लगता यहाँ पे देख सकते हैं इसका। और यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर कीजिएगा और एक आपका फॉर्म का डाउनलोड हो जाएगा, उस प्रिंट से आप खोल के ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी
अच्छा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है रेलवे ग्रुप डी का फ्री में, तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।